तो स्टूडेंट्स, नया सेशन की शुरुआत हो चुकी है और इस सेशन के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। आइए आज यहाँ इस वीडियो के अंदर बात करते हैं हम क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, किस तरह के इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। एक बार ध्यान रखिए, अगर आपका सब्जेक्टिव स्ट्रांग होगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो सब्जेक्टिव को आज यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आप अपने कंसेप्ट को डेवलप कर पाएंगे। इस वीडियो से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आप अगर सॉलिड स्टेट चैप्टर को अच्छे से नहीं जानते तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सॉलिड स्टेट को एक बार जरूर देख लीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चन और उनके आंसर की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आइए चलिए लैपटॉप पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस। तो ये बच्चों, आज यहां सीखते हैं कि सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए। अगर हमें अपने नीट और जेईई एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है तो एक बात जान लीजिए कि अगर सब्जेक्टिव स्ट्रांग होगा तभी आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग हो सकता है। आइए जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या अपने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को स्ट्रांग करने के लिए सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, नेम एन एलिमेंट विद विच सिलिकॉन कैन बी डोप्ड टू गिव पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए याद रखिए, अगर कोई एलिमेंट अपने से हायर ग्रुप के एलिमेंट से डोप किया जाता है तो वो एन टाइप बनाता है और लोअर ग्रुप के एलिमेंट से डोप किया जाता है तो वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाता है। तो अब हमें चाहिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन है ग्रुप 14 का, तो हमें लोअर ग्रुप का एलिमेंट चाहिए यानी ग्रुप 13। ग्रुप 13 से कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, हमारे पास पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यहाँ पे बन जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कॉमन सॉल्ट कभी कभी येलो दिखता है इंस्टेंट ऑफ बीइंग प्योर वाइट। सो इसका हमारा आंसर रहेगा डिफेक्ट्स के ऊपर। डिफेक्ट में है एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ अगर आप डिफेक्ट के बारे में नहीं जानते तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट वाला वीडियो देख के आप अपनी नॉलेज को एनरिच बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब एक्चुअल में होता क्या है कि कॉमन साल्ट है यानी NaCl, क्लोराइड आयन बाहर जाते हैं और उनकी जगह इलेक्ट्रॉन आते हैं जिन्हें एफ सेंटर कहा जाता है। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं, एक्साइट होते हैं, डी एक्साइट होते हैं और एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में शो करते हैं और इसीलिए हमें उसका येलो कलर दिखाई पड़ता है। तो हम अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो कह सकते हैं ड्यू टू द एफ सेंटर इन केस ऑफ NaCl ये हमें येलो कलर का दिखाई पड़ता है। अब बिल्कुल वैसा ही एक और क्वेश्चन है कि अल्कली मेटल हैलाइड समटाइम कलर दिखते हैं और अदरवाइज कलरलेस होते हैं। अल्कली मेटल हैलाइड का एग्जांपल अभी हमने लिया NaCl। NaCl कई बार वाइट दिखता है, कई बार येलो कलर का दिखता है। तो इसका जवाब जो भी मैंने बताया आपको एनायन वैकेंसी डिफेक्ट में से आएगा, जहाँ पे एफ सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट का डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। शॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन रिमूव होते हैं, अगर पार्टिकल रिमूव होंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। फ्रेंकल में पार्टिकल रिमूव नहीं होते बल्कि कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी पार्टिकल वहीं रहते हैं तो डेंसिटी यहाँ सेम रहेगी। तो शॉटकी में डेंसिटी डिक्रीजेस लेकिन फ्रेंकल में डेंसिटी सेम रहेगी। ये रहा व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर के बारे में आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जब मैग्नेटिक सब्सटेंस अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है तो इसे क्यूरी टेम्परेचर के नाम से पहचाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज इन डेंसिटी। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है जब डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद रेशियो बिटवीन कैटायन एंड आयन सेम रहता है और यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो डेंसिटी आखिर कहाँ इंक्रीज होती है, कौन सा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, तो ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। हमारी बुक में डायरेक्ट नहीं दिया जाता, सिर्फ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो जान लीजिए इसका जवाब होगा कि जब हम किसी कैटायन को हैवियर कैटायन से रिप्लेस कर दें, यानी आपके पास कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है वहां पर जो भी कैटायन है लोअर मॉलिकुलर मास का उसे हाई मॉलिकुलर मास के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, डोपिंग कर दी जाए, तो वहां पे डेंसिटी बढ़ जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से तैयार कीजिएगा। आगे है,
नेम द नॉन स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन अल्काइल हैलाइड. अभी आपको बताया था दो क्वेश्चन ऑलरेडी इस टाइप के कि अल्काइल हैलाइड के केस में एनायन वैकेंसी डिफेक्ट जहां एफ सेंटर आते हैं जिनकी वजह से ये अपना डिफरेंट टाइप ऑफ कलर शो करते हैं. Why is glass considered as supercooled liquid? Glass को supercooled liquid क्यों कहते हैं? Glass एक amorphous solid होता है, ध्यान रखें, और इसकी tendency flow करने की होती है. ये इसमें particle का arrangement irregular होता है, like the liquid particle. तो आपको यहाँ दो point बताने हैं. एक तो सामने लिखा है कि लिक्विड की तरह इसकी टेंडेंसी फ्लो करने की है, और दूसरा पॉइंट आप इसमें ये बताएंगे बिकॉज इट पजेस इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल लाइक द लिक्विड, और इस वजह से ये सुपरकूल लिक्विड के नाम से पहचाना जाता है. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर, डिस्क्राइब टू मेन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर हम जानते हैं क्या होते हैं, जहां कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, या जहां फॉरबिडन जोन कम होता है उन्हें सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं. दो तरह के हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर. अगर किसी ग्रुप में हायर ग्रुप का एलिमेंट डालते हैं तो एन टाइप, लोअर ग्रुप का डालते हैं तो पी टाइप. तो ये है, सिलिकन के अंदर एल्यूमिनियम डोप किया पी टाइप, सिलिकन में फास्फोरस डाला हायर ग्रुप का, ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. तो जो जो मैंने कहा है उस बात को अपने लैंग्वेज में आप जरूर लिख लेंगे. सेमीकंडक्टर विच हैज कंडक्टिंग पावर बिटवीन कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, दीज आर ऑफ टू टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप, एंड द एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व रहेगा. नाउ Explain how vacancies are introduced in an ionic solid when a cation of higher valency is added as an impurity in it. यानी आपके पास like NaCl का स्ट्रक्चर है, आप इसमें Na है plus 1 का, आप higher valency यानी plus 2 valency का particle add करते हैं, तो वहां पर किस तरह से defect add होगा etc. अब सोच के देखिए, आप सोडियम प्लस वन हटा रहे हैं और Mg प्लस टू ऐड करा रहे हैं. जितना चार्ज बाहर जाएगा उतना चार्ज ऐड होगा. अगर एक Mg प्लस टू आपको ऐड करना है तो दो सोडियम प्लस वन बाहर निकालने होंगे. एक Mg प्लस टू ऐड होगा, दो सोडियम प्लस वन बाहर निकलेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक जगह खाली रह जाएगी जिसे हम पॉजिटिव होल या वॉइड के नाम से पहचानेंगे. So in order to balance the charge, because of higher valency cation, lower valency cation is removed. ज़्यादा lower valency of cation रिमूव होते हैं और इस वजह से वहाँ पे vacancy generate होती है. हमारा अगला question है कि magnet बनाने के लिए ferromagnetic substance best होगा या ferrimagnetic? Ferrimagnetic वो होता है which possess large number of unpaired electron, expected to show large magnetism but show little magnetism. और ferromagnetic substance वो होता है जो large magnetism show करता है. तो अगर हमें magnet बनाना है तो हमें यहाँ पर ferromagnetic substance का इस्तेमाल करना होगा. ऐसे ही अगला question है कि why some of the very old glass object appears slightly milky. देखिए, ग्लास एक अमरफस सॉलिड होता है. अमरफस सॉलिड को अगर हम स्लो हीट करते हैं, स्लो कूल करते हैं, इसे एनिलिंग नाम से पहचानते हैं, तो उसमें क्रिस्टलाइन करेक्टर अपीयर होता है. अब ओल्ड ग्लास बिल्डिंग है, यहाँ पर डे हीटिंग नाइट कूलिंग होती है, स्लो हीटिंग स्लो कूलिंग होती है, जिस वजह से वहाँ पे क्रिस्टलाइन करेक्टर अपीयर होता है और ये मिल्की दिखाई पड़ता है. तो हम अपने जवाब को ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग, और आप लिख सकते हैं ड्यू टू एनिलिंग ग्लास एक्वायर क्रिस्टलाइन करेक्टर, ये जवाब दिया जा सकता है. अब बारी है एक न्यूमेरिकल की. कहा गया है FCC यूनिट सेल है, एज लेंथ दी गई है, डेंसिटी है आपके पास 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट में इतने सारे पार्टिकल हैं, डेंसिटी बतानी है. नाउ यहाँ सिंपल डेंसिटी का फार्मूला यूज करेंगे. Z FCC है, Z की वैल्यू 4 हो जाएगी, और आपके पास A यानी A क्या हुआ, आपके पास एज लेंथ है, और N नॉट एवोगैड्रो नंबर. अब M क्या है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास नहीं दिया गया, लेकिन आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का वजन एटॉमिक मास के बराबर होता है. तो इस तरह से कीजिएगा, इतने सारे एटम का वेट है 200 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर का कितना होगा,
एवोगैड्रो नंबर का जो भी वेट आएगा वो एटॉमिक मास में पुट किया जाएगा। जेड की वैल्यू मैंने बताई 4, ए आपको दिया गया है, ये एवोगैड्रो नंबर, बस बाय पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट द आंसर, आपका जवाब आ ही जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज ऑफ ए बॉडी सेंटर इज इतना, एज लेंथ दी गई है, रेडियस बतानी है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, तो इस रिलेशन को याद रखें, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। बॉडी सेंटर में एज लेंथ और आर के बीच में रिलेशन दिया गया है, यहां एज लेंथ की वैल्यू पुट कर दें, रेडियस आपके पास आ ही जाएगी, आपका जवाब तुरंत आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एलिमेंट हैविंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, डेंसिटी इतनी है, एज लेंथ बताना है। ध्यान रखें यहाँ पर ये आपको एटॉमिक मास दिया गया है इसका, जेड वैसे तो एटॉमिक नंबर होता है लेकिन कई बार कंफ्यूजन के लिए आपको यहाँ जेड अगर लिखा भी हुआ है तो जेड का मतलब एलिमेंट की बात की जा रही है कि ये कोई एलिमेंट जेड है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, डेंसिटी इतनी, एज लेंथ बतानी है, तो डेंसिटी आपके पास दी गई है, फेस सेंटर्ड है तो जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी, एटॉमिक मास दिया गया है, एन नॉट आप जानते ही हैं, एज लेंथ की वैल्यू यहां से सॉल्व की जा सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, कहाँ डेंसिटी चेंज होगी। शॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन रिमूव होते हैं, फ्रैंकल में पार्टिकल रिमूव नहीं होते, डिसलोकेट होते हैं, कैटायन अपनी लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइट में माइग्रेट करते हैं, तो शॉटकी में क्योंकि पार्टिकल रिमूव होते हैं तो डेंसिटी वहां पर डिक्रीज होती है, फ्रैंकल में पार्टिकल रिमूव नहीं होते तो डेंसिटी वहां पर डिक्रीज नहीं होती है। इस तरह से आप शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में यहां पर जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, डेंसिटी दी गई है 200 ग्राम में इतने एटम, एज लेंथ आपको बताना है, तो सीधी सी बात है वही फार्मूला, डेंसिटी आपके पास है, एज लेंथ यानी ए बताना है, और आपको क्या चाहिए, जेड, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, यहाँ भी मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया तो वही आपने अप्लाई करना है कि एवोगैड्रो नंबर का मॉलिक्यूलर मास, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का वजन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो इतने सारे एटम का वेट है 200 ग्राम तो एवोगैड्रो का कितना होगा, वो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना है, 6 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन का डेरिवेशन हमें मालूम होना चाहिए, अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यू याद कर लें, FCC 74%, BCC इतना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इतना, इस तरह से ये हमें यहाँ पे याद रहेगा। 19 क्वेश्चन है, व्हाट मेक ग्लास डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, ये क्वेश्चन कई बार आता है आपसे, पूछते हैं ग्लास और क्वार्ट्स में क्या फर्क होता है, तो ग्लास और क्वार्ट्स में क्या फर्क है, अंडर व्हाट कंडीशन क्वार्ट्स बिकम कन्वर्टेड इनटू ग्लास, क्वार्ट्स को ग्लास में हम कब कन्वर्ट कर सकते हैं हमें बताना है, तो सीधा सा जवाब, ग्लास एक अमर्फस सॉलिड है, क्वार्ट्स एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और अगर हमें ग्लास को, क्वार्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, क्रिस्टलाइन को अमर्फस में बदलना है तो हम पहले हीट करेंगे और तुरंत उसे कूल करेंगे, ऑन इंस्टेंट कूलिंग क्वार्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज एनहांस्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ SrCl2 एज इम्प्योरिटी, वाई, अब ध्यान रखिए अगर आप स्ट्रॉन्शियम की वैलेंसी देखें +2, सोडियम की +1, अगर आप स्ट्रॉन्शियम ऐड कर रहे हैं तो +2 जब आप ऐड करेंगे तो 2 सोडियम को बाहर निकालना होगा, 2 सोडियम बाहर जाएंगे, 1 स्ट्रॉन्शियम +2 ऐड होगा, जब 2 सोडियम बाहर जाएंगे तो वहां वैकेंसी क्रिएट होगी, पॉजिटिव होल क्रिएट होगा और इस वजह से वहां पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो एक स्ट्रॉन्शियम आयन 2 सोडियम बाहर निकालेगा, एक सोडियम की जगह तो स्ट्रॉन्शियम आएगा और एक होल की फॉर्म में बना रहेगा और इस वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से बच्चों सॉलिड स्टेट के ये फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से कैसे लिखना है, ये आपको बता दिया गया है। इस वीडियो को बार बार देख के बेशक से आंसर को नोट कर लीजिए, जहां पॉज करना हो पॉज कीजिए, आंसर को नोट कीजिए। ऐसे ही हर चैप्टर में अगर साल की शुरुआत से ही आपकी तैयारी अच्छी मेंटेन रहेगी तो लास्ट तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट।